एवरीबॉडी, आज हम लोग भोज्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पोषण के बारे में चर्चा कर लिया था, पोषक तत्वों के बारे में। अब आज हम उन पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे जो पोषक तत्व हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो भोज्य पदार्थ से मतलब आप लोग जैसे समझ रहे हैं कि वही वे पदार्थ जिनको हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारे भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। और जैसे हम तो खाने के लिए हम लोग ये खाते हैं भाई, दाल चावल सब्जी रोटी दूध दही घी, ये तो एक हम लोग अपने भाषा में यूज करते हैं। लेकिन उनको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि साइंटिफिक रूप में आप हम रासायनिक रूप में किन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हम जिन जिन पोषक तत्वों का या जिन जिन भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो भोज्य पदार्थों को पूरे भोज्य पदार्थों को सबसे पहले दो वर्गों में बांटा गया है। ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनको दो वर्ग में बांट दिया गया है। एक होता है आपका कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक, और दूसरा है अकार्बनिक। भोज्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक ऑर्गेनिक और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक। जैसे कि आप लोग तो पहले शब्दावली के बारे में पढ़े होंगे, इससे परिचित होंगे। तो कार्बनिक का मतलब होता है जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ को हम कार्बनिक कहते हैं, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ नहीं होते, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखिए कार्बनिक में मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले रासायनिक पदार्थ आते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। कार्बनिक पदार्थ में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसमें जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या है, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण, खनिज लवण या इसको खनिज तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भोज्य पदार्थ को हम दो भागों में वर्गीकृत किए हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, और तथा अकार्बनिक में जल और खनिज तत्व। खनिज तत्व में जैसे हम बात करेंगे तो इसमें सब आ जाएगा, पोटेशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, वो क्या होते हैं कोबाल्ट है, जिसमें मतलब जितने भी सारे सोडियम है, तो ये सब क्या होते हैं आपके खनिज तत्व में आते हैं। अब इनके बारे में हम लोग क्रम से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, क्या होता है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला यह रासायनिक पदार्थ है जिसमें एक निश्चित अनुपात में स्थिर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। क्या प्रदान करना? ऊर्जा, केवल और केवल ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसके अलावा इसका कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। और इनकी संरचना के आधार पर, इसके संरचना में जो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार होते हैं वो उनकी संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाईसैकेराइड, और तीसरा
दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड। देखिए यहां पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार देख रहे हैं, तीन प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अर्थात वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल ग्लूकोज के एक अणु पाए जाते हैं या ग्लूकोज के एक अणु से जो मिलकर बना होता है उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, और डाइसेकेराइड वो होता है जो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, और पॉलीसेकेराइड क्या होता है जो ग्लूकोज के दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो पॉलीसेकेराइड कहे जाते हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण है एक, जैसे मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माल्टोज, ठीक है, ये सब आपके उदाहरण हो गए मोनोसेकेराइड के। डाइसेकेराइड का उदाहरण है लैक्टोज, सुक्रोज जी, और पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च, या इसी को मंड भी कहते हैं, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज है, स्टार्च को या मंड कहते हैं, और ग्लाइकोजन, जैसे सेलुलोज जो है ये प्लांट में पाया जाता है, स्टार्च जो है ये प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन जो है ये जंतुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट तीन श्रेणियों में विभक्त होता है और तीनों को पाए जाने के अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे अब मुख्य बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, तो जितने भी अनाज होते हैं अनाजों में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जितने मीठे पदार्थ होते हैं जैसे गुड़ है, चीनी है, और जो भी मीठी चीजें हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल सा है कि मीठे पदार्थों में ही पाया जाएगा, जैसे अगर सुक्रोज है, जो सुक्रोज पाया जाता है वो पाया जाएगा शुगर में, सुक्रोज जो होता है शुगर में पाया जाएगा। और एक और देखिए इसमें छूट गया, फ्रक्टोज जो होती है ये फलों की शर्करा होती है, फलों में पाया जाने वाली शर्करा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है, तो फलों में पाए जाने वाली शर्करा को फ्रक्टोज भी कहते हैं। अच्छा, दूध में जो पाई जाती है लैक्टोज पाई जाती है, और इसका हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में हमने बताया दिया था। अच्छा, एक चीज और होता है, जब कार्बोहाइड्रेट या किसी भी चीज का पाचन होता है, कल हमने थोड़ा सा पाचन के बारे में चर्चा किया था कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन की क्रिया कहलाती है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम जब खाएंगे उसका जब पाचन होगा तो अंतिम उत्पाद उसका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टूटेगा। जैसे अच्छा, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में डायरेक्ट टूटेगा या तो उसी के समानार्थी, या कह सकते हैं उसी के इक्विवेलेंट जो है, जैसे फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ये अलग अलग है तो वो एक ही अणु ग्लूकोज के कहे जाते हैं। जैसे इसमें लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज का जो पाचन होगा तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। अब जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा। अब जैसे यहां माल्टोज की ले लीजिए, सॉरी माल्टोज यहां माल्टोज डाइसेकेराइड में है, एक मिसकंसेप्शन हो गया था, कंफ्यूजन। माल्टोज जो होता है डाइसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड नहीं, डाइसेकेराइड, माल्टोज डाइसेकेराइड। माल्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज के दो अणुओं में टूटेगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप निम्नलिखित अणु बनते हैं, ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के, अच्छा अलग अलग शर्कराओं से अलग अलग प्रकार के उसके ग्लूकोज के अणु बनते हैं।
कार्बोहाइड्रेट कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे इसका एक कार्य होता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और कुछ नहीं, और ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के कण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें एक चीज और बढ़ जाता है नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है, इनसे मिलकर बनने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। और प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास करना। जीवों में क्या है, जितने भी डेवलपमेंट का काम होता है, उनमें ग्रोथ का काम होता है, सब प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। और जैसे कोई टूट फूट हुई, कोई चोट लगी, कहीं कुछ इंजरी हुई, तो उनकी मरम्मत करने का भी कार्य क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत जैसे अंडा, मांस, मछली है, दाल है, मतलब जितने प्लांट में आएंगे दाल आएगा, और एनिमल में आएंगे तो अंडा है, मांस है, मछली है, दूध है, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इसका बस एक केवल कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास करना तथा टूट फूट में मरम्मत करना। दूसरा आता है वसा, वसा या फैट। फैट की बात करें तो फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसका कार्य भी ऊर्जा प्रदान करना होता है। लेकिन जब शरीर में या जिस किसी जीव की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट न पाया जाता हो, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं उपस्थित होता है, उस समय जो बॉडी सेल्स होती हैं वो ऊर्जा वसा के द्वारा ग्रहण करती हैं। पहला मुख्य बॉडी का पहला स्रोत होता है ऊर्जा ग्रहण करने का कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट होता है तब उसकी अनुपस्थिति में वसा के द्वारा कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊर्जा ग्रहण करने का काम करती हैं। ऊर्जा वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, और वो ऊर्जा शरीर अपने अन्य गतिविधियों में, अन्य कार्यों में प्रयोग करती है। ठीक है, अब वसा जो होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त और असंतृप्त मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जितने भी आप जैसे जंतुओं से प्राप्त हुए हैं, जो भी जैसे घी है, मक्खन है, बटर है, सब चीजें हैं, ये सब संतृप्त वसा में आते हैं, और असंतृप्त में मुख्य रूप से वेजिटेबल्स, आयल्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वसा। वसा का भी मुख्य कार्य एक ही है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन इसका उपयोग कोशिकाएं तभी करती हैं जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जैसे क्या होता है, जब अगर हम लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण सेवन नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है हमारे शरीर में, तो बॉडी सेल क्या होती है, वसा का उपयोग करती है, उसके उपभोग से ऊर्जा प्राप्त करती है, और जब वसा भी खत्म हो जाती है तो फिर वो प्रोटीन का उपयोग करने लगती है ऊर्जा के लिए, और धीरे धीरे फिर जब प्रोटीन का उपयोग होने लगा तो शरीर दुबली पतली होते होते फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये हो गया कार्बनिक पदार्थ। इसमें एक आता है लास्ट, क्या है, विटामिन। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये वृद्धि और विकास और इन सब चीजों के लिए, ऊर्जा के लिए, इनमें तो इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शरीर को बहुत से रोगों से बचाने का काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, और बहुत सी सारी बीमारियों से हमें बचाने का कार्य करती है। तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सबसे मिलकर बनने वाले रासायनिक पदार्थ है। विटामिन जो होता है ये, इसको सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और विटामिन को इनकी विलेयता के आधार पे, मतलब घुलनशीलता के आधार पे, ये कहाँ पे घुलते हैं, पानी में, ऑयल में, जैसे इनके घुलने के आधार पे मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है फैट सालबुल और दूसरा होता है वाटर सालबुल विटामिन, मतलब कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन को उसकी विलेयता के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है, फैट सालबल तो वसा में घुलनशील विटामिन तथा जल में घुलनशील विटामिन। अब इसमें हम देखेंगे तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 4 विटामिन आते हैं। वसा में 4 विटामिन है, ए, डी, ई और के। इसको हम शॉर्ट में एडेक भी कहते हैं।
फैट फोर, याद करने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका है, फैट में एफ है और यहां क्या है फोर है, फैट फोर ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होता है। जैसे ए का विटामिन ए का आप लोग इन सब चीजों से परिचित ही होंगे, एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम कहता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, डी का कैल्सिफेराल, ई का टोकोफेराल, के का फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, ये इनके रासायनिक नाम हो गए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विटामिन के जो स्रोत की बात आती है कि आखिर विटामिन किसमें पाए जाते हैं, तो दूध, मांस, मछली, अंडा और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, कुछ अनाज है, लगभग सब में सब विटामिन पाए जाती हैं। जैसे केवल अभी आगे जो अपवाद है उनको मैं आपको बता दूंगा, जैसे विटामिन सी की बात आती है तो विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थ में पाई जाती है, बाकी अन्य चीजों में लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा कुछ न कुछ हर विटामिन की पाई जाती है, जितने भी ये भोज पदार्थ होते हैं। और रेटिनॉल जैसा कि आप जानते ही हैं, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में देखने की क्षमता का मतलब में कमी आती है, उस रोग को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी को, डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स बोला जाता है, ई की कमी से बांझपन का रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, या रक्त का थक्का धीमी गति से बनता है या नहीं बनता है, जिससे रक्त स्राव होता रहता है। अब दूसरी तरफ है वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन, इसमें मुख्य रूप से दो विटामिन आती है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बी विटामिन कई इसके प्रकार पाए जाते हैं, इसमें बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, ऐसे कई इसके का रूप होते हैं, अलग अलग रूप पाए जाते हैं रासायनिक संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे बी कॉम्प्लेक्स में हम ये देख सकते हैं, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व और इसमें बी सेवन, इसको बायोटीन भी कहते हैं, कहीं कहीं बी सेवन बायोटीन हर जगह दिया रहता है, कहीं कहीं बी सेवन मिलता है। अब देखिए इनका भी अलग अलग रासायनिक नाम है, सबका अलग अलग काम है। जैसे अगर हम रासायनिक नाम की केवल चर्चा करें इनमें, तो बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमिन, बी टू राइबोफ्लेविन, बी थ्री नियासिन, बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स पाइरिडॉक्सिन और बी ट्वेल्व जो होता है साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन। इन सब में अलग अलग इनसे कहीं की कमियों से अलग अलग बीमारियां, जैसे थायमिन से बेरीबेरी होता है, लाइमोफ्लोसिस होता है, नियासिन से एंटीपिलाग्रा या बोलते हैं इसे, और बी फाइव है बालों का झड़ना गिरना, पायरिडॉक्सिन है एनीमिया, एनीमिया कई प्रकार की होती है, तो कुछ आयरन की कमी से होती है, कुछ हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, एक अलग प्रकार की साइनोकोबैलेमिन से भी होता है। बायोटीन जो होता है बी सेवन बायोटीन, ये बालों के पकने और झड़ने के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और लास्ट है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं आंवला, संतरा, नींबू, इन चीजों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इसका मुख्य स्रोत होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, ये सब चीजें इनमें होता है। तो ये हुआ कारणी भोज पदार्थ। अब अकारणी भोज पदार्थ में जैसा कि हम लोग देखे थे उसमें किए थे, अकारणी में मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं, जल और खनिज लवण।
जल आप जानते हैं जल की कितनी आवश्यकता है हम लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खनिज लवण, खनिज लवण में जितने भी सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, जितने भी पोषक तत्व तो कह सकते हैं, इसमें इनको दो वर्गों में बांटा जाता है, मैक्रो और माइक्रो, सूक्ष्म तत्व और दीर्घ। तो मतलब जिनकी आवश्यकता अधिक होती है उनको दीर्घ में रखा गया, जिनकी आवश्यकता कम होती है उनको सूक्ष्म रखा गया। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पूरक भोज्य पदार्थ के बारे में चर्चा किया। इसके आगे का हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे।